माइशल पुरुषोत्तम शर्मा और मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय में मैं आज आपका YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर BSc जो पार्ट सेकंड है उसका जो सिलेबस पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर अपन आगे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, आगे अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बुक्स के बारे में और उन सब के बारे में जब स्टडी करेंगे, तो उससे पहले अपने को एक बेस पता होना चाहिए कि क्या क्या उसमें अपने सब्जेक्ट आने वाले हैं, किस तरीके का सा अपने का जो क्या है एग्ज़ाम पेपर होने वाले हैं, कितने मार्क्स का होने वाला है, प्रैक्टिकल कितने का होने वाला है। वैसे तो ये नॉर्मल आपको पता होता ही है, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर दिया है एग्ज़ाम वगैरह, लेकिन फिर भी एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है तो उसको क्या करते हैं अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं और कुछ नया भी इसमें सीख लेंगे। तो ये फिजिक्स का फर्स्ट क्लास है तो उस हिसाब से इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस के अंदर अपने को वैसे पता है कि अपने पास 3 क्या होते हैं पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जो अपना फर्स्ट पेपर है, सेकंड हो या थर्ड हो, सारे के सारे 50 मार्क्स के होने वाले हैं। यानी कि आपका जो टोटल मार्क्स है वो 150 का होएगा और 150 में से आपको लेके आने हैं 54, यानी मिनिमम अपने को 54 लेके आने होते हैं आपको अगर पास आउट करना है। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के। जो प्रैक्टिकल है वो 75 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स के अंदर आपको 27 मार्क्स मिनिमम यू हैव टू गेट, तो आपको 27 लेके आने होते हैं। अब अपन क्वेश्चन पेपर की थीम में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि अपने जो थ्योरी पेपर्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर मैकेनिक्स पढ़ा होगा, यांत्रिकी और ये पढ़ा होगा, तो इन वो जो फर्स्ट ईयर में आपने जो पढ़ा था वो थोड़ा बहुत आपके 12th क्लास 11th क्लास से थोड़ा बहुत आपने उसके बारे में पढ़ रखा था। लेकिन आज जो हम अब अपन जो BSc सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं उसमें आपके कुछ सब्जेक्ट हैं वो न्यू सब्जेक्ट रहने वाले हैं, यानी कि एकदम बिल्कुल नए हैं, तो उनका आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझना पड़ेगा, उन पर थोड़ा और अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट पेपर है वो है थर्मोडाइनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, यानी कि ऊष्मा गतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी। इसके अंदर अपन ताप इन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसकी ब्रीफ में डिटेल में अपन जब अपन स्टार्ट करेंगे बुक तब उसमें अपन स्टडी करेंगे। पेपर जो सेकंड है, सेकंड पेपर के अंदर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक के जो कुछ डिवाइसेस हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आते ही आपको पता है धारा, विद्युत धारा, तो करंट, ये सब उसका बेस हो जाता है, किरचॉफ के लॉज वगैरह, ये सब अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ में उसके कुछ इन इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपके इक्विपमेंट्स बनते हैं, अपरेटस बनते हैं, उनके बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अब अपना पेपर नंबर थर्ड है वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के अंदर अपन फ्रेनों पर विवर्तन वगैरह हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसकी टोटल आपके 5 यूनिट्स होती हैं। ये अपने 3 पेपर हो गए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको नेम बता दिए गए हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या पैटर्न रहता है कि यूनिट तो 5 यूनिट रहती हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा पैटर्न है वो किस तरीके का सेटअप किया जाता है, जैसा कि आपके फर्स्ट ईयर में भी था कि इसमें 3 पार्ट होंगे आपके पास में, A, B एंड C। तो जो ए पार्ट है वो रहता है आपका 15 मार्क्स का, बी पार्ट है 15 मार्क्स का और सी पार्ट है कितने का, 20। टोटल हो गया आपका 50 मार्क्स, ठीक है। तो अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जो आपका ए पार्ट है वो रहता है वेरी शॉर्ट, बी पार्ट है वो आपका रहता है लॉन्ग, और ये जो आपका सी है वो ऐसे में आ जाता है। तो जो आपका ए पार्ट है इसको तो आपको मैक्सिमम 50 जो वर्ड्स हैं उसके अंदर इसको सेटअप करना होता है, इसका आंसर आपको देना होता है। और जो आपका बी है इसको आपको लगभग आप मान लीजिए 100 के नियर अबाउट और इसको 400 के नियर अबाउट, इस हिसाब से आपको मार्क्स इसके जो वर्ड्स हैं वो सेटअप करने होते हैं, उसमें राइट डाउन करने होते हैं आंसर में। तो ए होगा उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन आपको कंपलसरी होंगे, कोई इसमें इंटरनल चॉइस नहीं मिलने वाली हैं, तो वो सारे आपके होंगे 1.5 के, यानी 1.5 मार्क का एक क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल हो गया 15, 10 मार्क 10 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं बी की। बी है वो कितने हो गया, 15 मार्क्स का होएगा, टोटल इसमें क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 5, ऑप्शन में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स का,
ठीक है। तो जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो पर यूनिट में से सेट किए हुए रहेंगे। फर्स्ट जो आपका 5 में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा आपका 3 मार्क का। ऐसे करते करते 3 मार्क के सारे रहेंगे, लेकिन फर्स्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके आपके 5 यूनिट। और जो अभी वहाँ पे 10 क्वेश्चन आए थे पार्ट ए में, वो भी कुछ इस तरीके से ही आएंगे। फर्स्ट, सेकेंड आपके फर्स्ट यूनिट में, थर्ड, फोर्थ आपके सेकेंड यूनिट में, इस तरीके से सेटअप किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा 5 में, इसके अंदर इंटरनल चॉइस आती है। इंटरनल चॉइस का मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा उसी के अथवा में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, उस तरीके से टोटल 5 क्वेश्चन इसमें सेट किए हुए रहेंगे। फिर हम बात करते हैं पार्ट सी की। अब पार्ट जो सी है उसके अंदर 3 क्वेश्चन रहेंगे, उन 3 क्वेश्चन के अंदर मार्क्स रहेंगे 7, 7 और 6, टोटल हो गया 20, और उनके अंदर भी इंटरनल चॉइसेस रहेंगे, यानी कि आप उसको सेटअप कर सकते हो उस तरीके से। तो ये टोटल आपका क्या हो गया, सिलेबस बने को बता दिया, प्रैक्टिकल मार्क्स हो गया अपना क्लियर, पेपर किस तरीके से आने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होगा। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट पेपर जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखते रहिए और आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।